ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का रिजल्ट तो आप लोगों सभी को पता है कि रिजल्ट आ गया है। अब इस रिजल्ट के बाद जो है एक प्रोसेस जो स्टार्ट कर दिया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की ओर से, वो ये कि अब आप जो है अपने अपने जो भी आपने एग्ज़ाम दिया है उसको जो है रीचेक कर सकते हैं। जी हाँ, रीचेकिंग का पोर्टल जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से जारी कर दिया गया है। उस पोर्टल पर आपसे जो है कितनी फ़ीस जो है आप लोगों से मांगी गई है, क्या उसका टाइम पीरियड रहेगा, ये सारा का सारा आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। मैं हूँ एडवोकेट दीपक सैनी और आप देख रहे हैं लीगल लॉ। तो देखिए, 5 फरवरी 2023 को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था और रिज़ल्ट जो है उसका जारी कर दिया गया था। अब कई स्टूडेंट के रिज़ल्ट के अंदर जो है विद हेल्ड करके ऐसे करके लिखा हुआ रहा, उनके रिज़ल्ट में एरर आ रही है, तो वो लोग उन लोगों को जो है अब एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली है, वो ये मिली है कि आप जो है अपना रीचेकिंग का फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर सीधा आपको साइट पर लेके आया हूँ और स्क्रॉल करके मैं जैसे नीचे की तरफ आऊँगा तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, डियर कैंडिडेट, नाउ यू कैन अप्लाई फॉर रीचेकिंग ऑफ ओएमआर शीट। तो जी हाँ, अब आप जो है ओएमआर शीट को जो है रीचेक करा सकते हैं। तो कैसे आपको रीचेकिंग करानी है, इसका क्या प्रोसेस रहेगा, तो सिंपली हम इस पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। कुछ बेसिक बातें जो है मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कि आपको जो है यहाँ पर फीस के रिगार्डिंग जो है बात बोली गई, अबाउट द ओएमआर रीचेकिंग फीस, इफ ए कैंडिडेट वांट टू रीचेक हिज ओएमआर टू वेरीफाई द मेकिंग डन एंड रिजल्ट डिक्लेयर करेक्टली, ए फीस इज कलेक्टेड टू रीचेक द ओएमआर ऑफ द कैंडिडेट। तो इट मींस कि जो अगर मान लीजिए आपकी जो ओएमआर शीट जो है वेरीफाई होगी और रिजल्ट एंड रिजल्ट डिक्लेयर करेक्टली जो है रिजल्ट आया था, ए फीस इज कलेक्टेड टू रीचेक द ओएमआर ऑफ द कैंडिडेट। और रीचेकिंग की जो फीस रहेगी वो रहेगी 200 रुपीज़ जो है फीस रहेगी। और कब से कब तक है ये, 5 मई से जो है पोर्टल स्टार्ट कर दिया गया था और इसकी जो एंड डेट है वो 15 मई जो है इसकी एंड डेट है। जी हाँ, ओएमआर रीचेकिंग टाइम आफ्टर फीस पेड, तो ओएमआर विल बी ए रीचेक विद इन 7 डेज आफ्टर पेमेंट एंड अपडेट विल बी ए प्रोवाइड टू कैंडिडेट। तो सैटरडे संडे को छोड़कर जो है यहाँ पर जो है 7 डेज़ के जैसे आपकी पेमेंट आप करेंगे तो विद इन 7 डेज़ आफ्टर पेमेंट एंड अपडेट विल बी प्रोवाइड, तो जो भी अपडेट होगी वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। नो रिफंड विल बी ए इशूड एंड नो करेक्शन विल बी ए मेड इन केस ऑफ कैंडिडेट फिल इन करेक्ट इन्फॉर्मेशन इज फिल इन द फी एप्लीकेशन फॉर्म। जी हाँ, अगर कोई जो है गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो उसकी फीस जो है बिल्कुल भी रिफंड यहाँ पर नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए, सिंपली आपको जो है 200 का अमाउंट है, ई मेल आपको डालिए, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आपको डालना, कैंडिडेट नेम आएगा, कैंडिडेट का रोल नंबर आएगा, कैंडिडेट की जो एप्लीकेशंस आईडी है वो आएगा और यहाँ पर जो है रीज़न फॉर रीचेकिंग आएगा। तो आप जैसे यहाँ पर ये पर्टिकुलर्स को फिल करेंगे तो फिल करने के बाद जो है पे नाउ पर आप जो है जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर्स फिल नहीं करे। आप जैसे यहाँ पर पर्टिकुलर्स को फिल करेंगे तो अगला प्रोसीड जो है आपका पेमेंट करने का आ जाएगा और आपको जो है पेमेंट करने के बाद जो है जो भी अपडेट आपके पास आएगी वो जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आपको जो है बता दी जाएगी। तो ये जो एक पूरा का पूरा प्रोसेस है यहाँ पर जो है रीचेकिंग करने का। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू जो है बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।